हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू स्टार्ट अ रिमेन लेसन यूनिट 6 एक्सप्लोरिंग पैट्रियोटिज्म। सो फ्रेंड्स, आई वांट टू स्टार्ट अ रिमेन लेसन ऑफ यूनिट 6 एक्सप्लोरिंग पैट्रियोटिज्म। So you can see page number 51. So activity 1, there is a picture. You can see the picture. How many faces do you find in this picture? दोस्तों, ये जो चित्र दिया है, पिक्चर दिया है, इसमें कितने फेस आपको देखने मिलते हैं? So there are 10 faces in this picture. ये जो पिक्चर, इसमें 10 चेहरे हैं और वो सभी लीडर्स हैं। They are national leaders. They are faces of गांधी जी, खान अब्दुल गफार खान, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी। सो दे आर ऑल आवर नेशनल लीडर्स। सो लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी 2, द मेकिंग ऑफ द महात्मा। गांधी जी बिकेम associated with the social life of Indians in South Africa since his arrival there in 1893. Dosto, become associated with matlab hota hai get connected with, matlab Gandhi ji uske sath connected the, associated the. Gandhi ji jaise 1893 में साउथ अफ्रीका में पहुँचे तो वहाँ के जो भारतीय लोग थे उनके सामाजिक जीवन के साथ गांधी जी जुड़े हुए थे। कैन एनी वन एक्ट अगेंस्ट वंस ऑन नेचर और एस्केप बीइंग अ प्लेथिंग इन द हैंड्स ऑफ फैट। क्या कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव और भाग्य के विरुद्ध खेल सकता है? गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विथ प्रोफेशनल मोटिव्स। गांधी जी अफ्रीका अपने व्यावसायिक हेतु के लिए गए थे, मतलब अपने धंधे के लिए गए थे। प्रोफेशनल मोटिव्स मतलब दोस्तों होता है अपना जो बिजनेस था, मतलब उनका जो प्रोफेशनल, गांधी जी का लॉयर था तो वो लॉयर के लिए, लॉयर के काम के लिए वो वहाँ पे अफ्रीका गए थे। बट एज मस्ट हैव बीन द डिजाइन ऑफ डेस्टिनी, हिज 21 ईयर स्टे इन साउथ अफ्रीका बिकेम द प्रिपेरेटरी पीरियड दैट इक्वाइव्ड हिम विद द प्रेजरेंस एंड मॉरल स्ट्रेंथ टू एमिंसिपेट सोसाइटी। लेकिन गांधी जी जब अफ्रीका गए तब तक वहाँ पे 21 साल रहे थे, तो 21 साल तक रहे और अफ्रीका में जो भारतीय लोग थे उनके लिए वो फेमस लीडर की तरह रहे। और उन्होंने क्या किया वहाँ पे, मतलब शुरुआत से वहाँ पे वो ऐसे रहे, टू एमेंसिपेट सोसाइटी। एमेंसिपेट मतलब क्या होता है दोस्तों, टू फ्री समबडी फ्रॉम रिस्ट्रक्शन, और वहाँ के लोगों को जो रिस्ट्रक्शन से उनसे उन्होंने मुक्त करवाया। 21 साल तक वहाँ पे गांधी जी अफ्रीका में भारतीय लोगों के फेमस लीडर रहे और असत्य और हिंसा ऐसे जो असत्य और हिंसा जैसे थे उनको सत्य और अहिंसा के जो एंटीडोट से बचाया। क्या शस्त्र यूज किया?
सत्य और अहिंसा का शस्त्र युद्ध करके उन्होंने असत्य और हिंसा को, हिंसा से अपने देशवासियों को बचाया। और ऐसे जो कुरीवास थे उनसे उन्होंने एमिनसिपेट करवाया, मुक्त करवाया समाज को। इट वॉज लाइफ ऑफ डेडिकेशन, और उनका जीवन बिल्कुल शुद्ध समर्पण था। फॉर नॉट वंस इन 21 ईयर्स डिड ही एवर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज वन हु वॉज आफ्टर फेम और वन असर्टिंग हिमसेल्फ एज द ऑथर ऑफ इवन। दोस्तों जैसे बताया कि उनका जीवन एक शुद्ध समर्पण था, और अपनी खुद की कोई फेमस होने के लिए वो काम नहीं करते थे। उनको दूसरों को मदद करनी वो उनका एक एम था, लेकिन कोई खुद की जो फेम बढ़ाने के लिए उन्होंने नहीं किया था। और ये सभी जो घटनाएं थी वो उन्होंने एक खुद घटनाओं को एक लेखक के रूप में उन्होंने शामिल किया था। असर्टिंग, दोस्तों असर्टिंग मतलब क्या होता है? असर्टिंग मतलब होता है दोस्तों अंगीकरण करना। ऐसी जो उन्होंने जो काम किया था वो सब इवेंट्स को उन्होंने, ऐसी घटनाओं को उसमें एक शुद्ध समर्पण में शामिल किया था। सेकंड पैराग्राफ, अनवेलकम विजिटर एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ। दोस्तों ये एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? सेक्शन, ये जो सेक्शन है वो एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मतलब माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मतलब मेरा सत्य का प्रयोग, गांधी जी की जो आत्मकथा थी उसी में से ये पार्ट लिया है, ये अक्सर उसमें से लिया है। द पोर्ट ऑफ नाताल इज कॉल्ड डर्बन एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नाताल। पोर्ट ऑफ नाताल मतलब पोर्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? पोर्ट मीन्स जहाँ पे आप जहाज वहाज जो रुकते हैं, जहाज होते उसको बोलते हैं पोर्ट, बंदरगाह। पोर्ट ऑफ नाताल इज कॉल्ड डर्बन, उसको डर्बन बोलते थे। एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नाताल, और पोर्ट नाताल के नाम से जाना जाता था। अब्दुल्ला सेठ हैड बिकम टू रिसीव मी, अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी, अब्दुल्ला सेठ मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। As the ship reached the quay and the people of Natal came to board to meet their friends, जैसा जहाज डक्का पे आया, क्वे पे आया, क्वे मतलब होता है ये बंदरगाह, कृत्रिम डक्का, वहाँ पे आया तो नताल के लोग थे वो उनके मित्रों को भी मिलने आए थे। I realized that Indians were not quite respected there. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ के इंडियन को अच्छी तरह से रखते नहीं थे। I noticed a kind of a rudeness in behavior of a people who knew Abdullah Seth. अब्दुल्ला सेठ को जो लोग जानते थे उनका बिहेवियर मुझे अच्छा लगा नहीं, वो बिल्कुल रूडनेस। I noticed a kind of rudeness. मुझे उनकी अशिष्टता दिखाई दी। जो लोग अब्दुल्ला सेठ को जानते थे और मिलने आए थे उसमें कुछ शिष्टाचार जैसा था नहीं। इट हर्ट मी, गांधी जी बोलते उस बात से मुझे ठेस लगी, हर्ट मी, मुझे बहुत दुख हुआ। ही टूक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हिज, वो मुझे घर पे ले गए और उनके पीछे जो रूम था वो मुझे दिया। अब्दुल्ला सेठ लिटरली लेवल वॉज लो, अब्दुल्ला सेठ जो पढ़ाई में कम था मतलब उसका लिटरली लेवल था वो बहुत कम था। बट हिज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वॉज इमेंस, लेकिन उसका जो अनुभव से उसका जो नॉलेज था वो बहुत इमेंस मतलब ज़्यादा व्यापक रूप से था। ही हैड शार्प इंटेलेक्ट, उनकी जो बुद्धि शक्ति थी वो तेज थी। एंड वॉज कॉन्शियस ऑफ इट, और उसके लिए वो बहुत कॉन्शियस थे, सजाग थे। ही हैड लर्न सफिशियंट इंग्लिश फॉर कन्वर्सेशन थ्रू प्रैक्टिस, ही हैड लर्न्ड सफिशियंट इंग्लिश, वो जरूरी इंग्लिश तो सीख लिया था फॉर कन्वर्सेशन थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के जरिए, कन्वर्सेशन के जरिए उन्होंने थोड़ा सा इंग्लिश तो सीख लिया था।
ही मैनेज ऑल हिज वर्क विथ दैट काइंड ऑफ इंग्लिश, और ऐसे प्रकार के इंग्लिश से वो अपने काम को मैनेज कर लेते थे। ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम, और उनको इस्लाम अपना जो उनका खुद का जो धर्म था वो इस्लाम धर्म था, उसके धर्म को उसको बहुत गर्व था, प्राउड था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसफी, और वो फिलोसफी डिस्कस करने का उनको बहुत शौक था। ऑन द सेकेंड और थर्ड डे ही टूक मी टू सी द कोर्ट ऑफ डरबन, और दूसरे और तीसरे दिन वो मुझे डरबन की जो कोर्ट थी वो कोर्ट दिखाने के लिए ले गए, क्योंकि गांधी जी तो एसोसिएटेड किसके थे, वो वहाँ के जो इंडियन थे उनके साथ जुड़े हुए थे, और गांधी जी का जो उनका जो पेशा था वो लॉयर का था, तो पहले तो कोर्ट देखनी चाहिए, इसलिए वो कोर्ट देखने उनको ले गए। ही मेड मी सीट नेक्स्ट टू हिज लॉयर इन द कोर्ट, ही मेड मी सीट नेक्स्ट टू हिज लॉयर, उनका जो वकील था कोर्ट में उनके पीछे मुझे उन्होंने बिठाया। द मैजिस्ट्रेट कैप्ट लुकिंग एट मी, और मैजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीश था वो मेरे सामने देखने लगा था। ही आस्क्ड मी टू टेक ऑफ माई टर्बन, उन्होंने मुझे मेरा पगड़ी था, टर्बन मीन्स क्या होता है पगड़ी, जो ऐसे इंडियन लोग पहनते हैं ऐसी पगड़ी गांधी जी पहन के गए थे कोर्ट में, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरी पगड़ी के सामने नोटिस किया, उन्होंने देखा आई, और उन्होंने मुझे टेक ऑफ करने का बोला, मतलब मेरी पगड़ी मुझे निकालने का बोला। आई रिफ्यूज टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट, मैं पगड़ी उतारने का मैंने मना कर दिया और मैं कोर्ट छोड़ के निकल गया। एज माई लक वुड हैव इट देयर वॉज अ बैटल हियर एज वेल, वो तो मेरा नसीब था, देयर वॉज अ बैटल हियर एज वेल, वहाँ पे एक युद्ध जैसा हो जाता। अब्दुल्ला सेठ डिड नॉट लाइक दैट सजेशन, अब्दुल्ला सेठ को वो सजेशन पसंद नहीं आया था। ही सेड, उन्हें बोला इफ यू मेक दैट चेंज नाउ इट विल बी अ मिसअंडरस्टूड, इफ यू मेक दैट चेंज, अगर आप ऐसे करोगे इट विल बी मिसअंडरस्टूड, तो वो आपको एक भूल लगेगी, मिसअंडरस्टूड लगेगा। Those who want to wear turban of their country will have hard time. जो लोग अपने देश की पगड़ी पहनते हैं उनको बहुत समय निकालना पड़ता है, हार्ड टाइम निकालना पड़ता है। मोर ओवर यू लुक एलिजेंट विथ दिस टर्बन ऑफ अवर कंट्री, और ख़ास करके तो आप अपने देश की ये जो पगड़ी है वो पहनते हो तो आप बहुत एलिजेंट लगते हो, मतलब बहुत सुंदर लगते हो। You look like a waiter if you wear an English cap. अगर आप English cap पहनोगे तो आप waiter जैसे दिखोगे, लेकिन आपकी पगड़ी में आप बहुत अच्छे लगते हो। Those words had worldly wisdom, also patriotism, and to an extent a little conservatism too. ये जो शब्द है, ये जो शब्द थे वो बिल्कुल शाब्दिक ज्ञान था, भौतिक ज्ञान था, और एक देश भावना थी, और ज़्यादा हद से तो एक छोटा सा एक लिटल कंजर्वेटिज्म, मतलब एक रूढ़िवाद भी था। आई रॉट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर अबाउट द इंसिडेंट इन अ डिफेंस ऑफ मी एंड द टर्बन, मैं पगड़ी और मेरे बचाव के लिए मैंने न्यूज़पेपर में एक लेटर भी लिखा। माई टर्बन वॉज एक्सटेंसिवली डिस्कस इन न्यूज़पेपर, मेरी पगड़ी व्यापक रूप से न्यूज़पेपर में उसकी चर्चा हुई, मेरी पगड़ी के बारे में न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। आई हिट द हेडलाइंस एज अनवेलकम विजिटर, मैंने ये जो हेडलाइन पढ़ी उसके बारे में बहुत दुख हुआ। अनवेलकम विजिटर, मतलब एक विजिटर को अनवेलकम किया, बिन बुलाए मेहमान जैसा। एंड विद इन 3-4 days, और 3-4 दिनों में विदाउट एनी एफर्ट, जरा सा भी मैंने प्रयत्न नहीं किए, आई गॉट पब्लिसिटी, और मेरी पब्लिसिटी हो गई, मैं सब में फेमस हो गया, पूरे अफ्रीका में मैं फेमस हो गया।
सम टूक माय साइड, कुछ लोगों ने मेरी साइड ली थी। सम सेवरली क्रिटिसाइज मी फॉर माय रूडनेस, और कोई कोई लोग ने मेरी ज़्यादा करके समीक्षा की थी, टिप्पणी की थी, मेरी जो अशिष्टता थी उसके बारे में किसी कोई कोई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, टिप्पणी की थी। माय टर्बन सर्वाइव ऑलमोस्ट टिल द एंड, लेकिन मेरी जो टर्बन थी पगड़ी वो तो बिल्कुल अखंड रही, मैंने निकाली नहीं, एंड तक मैंने निकाली नहीं। सो फ्रेंड्स, लेट वी सी सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। व्हेन डिड गांधीजी गो टू साउथ अफ्रीका, गांधीजी साउथ अफ्रीका कब गए थे, एंड व्हाट डिड ही कीप कनेक्टेड टू देयर, और वहाँ पे वो किस बात से कनेक्टेड थे। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 में गए थे। देयर ही कैप्ट कनेक्टेड विद द सोशल लाइफ ऑफ इंडियन, वहाँ पे किस बात से कनेक्टेड थे, तो सोशल लाइफ ऑफ इंडियन, इंडियन लोगों के सोशल लाइफ से वो कनेक्टेड थे। वाई हैड गांधी जी गो टू साउथ अफ्रीका, गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, तो गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका विद प्रोफेशनल मोटिव्स, वो अपने व्यावसायिक हेतु के लिए गए थे। हाउ कुड गांधी जी एमेंसिपेट सोसाइटी फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अनट्रूथ एंड वायोलेंस, अहिंसा और असत्य, सॉरी हिंसा और असत्य के जो फोर्स थे, अहिंसा और असत्य का जो फोर्स था समाज पर, गांधी जी ने उसको कैसे उसमें से लोगों को बचाया, मुक्त करवाया। अहिंसा, सॉरी हिंसा और मतलब वायलेंस एंड अनट्रुथ, असत्य और हिंसा, जैसे एविल से लोगों को गांधी जी ने कैसे एमेंसिपेट मतलब मुक्त करवाया। तो गांधी जी कुड मैनेज टू एमेंसिपेट सोसाइटी फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अनट्रुथ एंड वायोलेंस, गांधी जी मैनेज कर सके समाज को ऐसे दूषणों से बचाने के लिए, विद द स्पिरिचुअल एंटीडोट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, कैसे बचाया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जैसे एंटीडोट का यूज करके उन्होंने, गांधी जी ने लोगों को ऐसे दूषणों से बचाया। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 2 एंड आई विल कंटिन्यू एक्टिविटी 3 इन माई नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।